नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। दोस्तों, अभी हाल ही के समय में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की हो या पाकिस्तान के द्वारा हमारे भारतीय पायलट अभिनंदन जी को पकड़ा गया हो, इन सभी घटनाओं में आपने गौर किया होगा कि अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इन्हीं सब डिप्लोमेटिक सपोर्ट को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों ये देश पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का अपने बिना किसी फायदे के सपोर्ट नहीं करती, अर्थात जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का मित्र नहीं होता। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश का सपोर्ट करता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट होता है, और कोई भी यारी दोस्ती जियोपॉलिटिक्स में नहीं चलती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत ने 110 फाइटर प्लेन के लिए एक टेंडर को निकाला है, जिसमें इंडिया 110 फाइटर प्लेन को खरीदने वाला है, जिसमें अमेरिका ने अपने F-16, FA-18 और F-21 को ऑफर किया है, रशिया ने अपने MiG-35 और SU-35 को ऑफर किया है, और फ्रांस ने अपने रफाइल को ऑफर किया है। यहाँ हम आपको बता दें कि जिन 36 रफाइल का ऑर्डर इंडिया ने फ्रांस को दे रखा है वो इस टेंडर से बाहर की डील है। इसके अलावा स्वीडन ने अपने ग्रिपेन को ऑफर किया है और यूरोप ने अपने यूरो फाइटर टाइफून को ऑफर किया है। अब दोस्तों, ये जो 110 फाइटर प्लेन की डील है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंसिव डील मानी जा रही है, जिसमें इंडिया 110 फाइटर प्लेन को खरीदने वाला है, जो अपने आप में बहुत बड़ी डील होने वाली है। दोस्तों, ये पूरी डील कम से कम 10 बिलियन यानी 10 अरब की हो सकती है, और ये 10 बिलियन केवल इसका इनिशियल प्राइस है, क्योंकि जब इंडिया इन फाइटर प्लेन को खरीदेगा तो इन फाइटर प्लेन के मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट आदि के लिए हमें उसी देश के पास जाना पड़ेगा जिस देश से हमने इन फाइटर प्लेन को खरीदा होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे देखें तो ये पूरी डील कम से कम 20 से 25 बिलियन तक जाएगी। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो एक बाइक को खरीदने से ज़्यादा पैसा हम उस आने वाले समय में उसके मेंटेनेंस आदि पर लगा देते हैं, और हम यहाँ पर फाइटर प्लेन को खरीद रहे हैं, वो भी 110 की संख्या में। यही कारण है कि ये बड़े बड़े देश चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाए, इसीलिए ये देश आज के समय में भारत का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अमेरिका 1971 और 1999 की लड़ाई में भारत के खिलाफ था, लेकिन जब भारत ने अमेरिका से बड़े बड़े प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिया तो आज अमेरिका भी इंडिया के सपोर्ट में है।